शेर नंबर 3, मीर की गजल। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। नसरी तर्जुमा। जब भी तुम मेरे सामने आते हो तो मैं अपनी ज़ात से भी बेफिक्र हो जाता हूँ। अपना कोई होश नहीं रहता, गोया के तुम्हें देखते ही अपने आप से जुदा हो जाते हैं। लुगत। बेखुद, अपने आप से बेखबर, आप से यानी खुद से जुदा, दूर। हवाला। उर्दू का ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है जो हमारे निसाब का हिस्सा है। मरकज़ी ख्याल। इस शेर में मीर तकी मीर ने महबूब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि जब भी तुम मेरे सामने आते हो तो मेरा अपनी ज़ात पर इख्तियार ख़त्म हो जाता है। तशरी। मीर तकी मीर ने महबूब से अपनी जज्बाती व दिली वाबस्तगी का इजहार करते हुए कहा है कि जब भी तुम मेरे सामने आते हो या तुम्हारा ख्याल मुझे आता है तो मैं खुद को दुनिया से बेख्तियार तरीन इंसान समझता हूँ। मेरा अपनी ज़ात से ताल्लुक़ गोया के ख़त्म होकर रह जाता है। मैं अपने आप से बेखबर हो जाता हूँ। मुझे अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं रहती। मेरी ख्वाहिश उस वक्त यही होती है कि तुम मेरी तरफ तवज्जो करो, और यही ख्वाहिश मुझे दुनिया और अहले दुनिया और मुझे मेरी ज़ात से दूर कर देती है। मुख्तसर ये कि मीर तकी मीर ये बताना चाह रहे हैं कि आशिक की ख्वाहिश सिर्फ़ और सिर्फ महबूब की नज़रों में मुमताज़ होना है। दुनिया और अहले दुनिया जो कहती है कहती रहे, बकौल शायर। रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया।